बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर फ़ोर्टीन है लेक्चर नंबर फ़ोर्टीन में हम एक्सरसाइज नंबर सिक्स पॉइंट फ़ोर को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज़ नंबर सिक्स पॉइंट फ़ोर को में टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ़ द सिस्टम ऑफ़ लीनियर इन टू वेरिएबल्स हम सॉल्यूशंस मालूम करना सीखेंगे किसका सिस्टम ऑफ़ लीनियर इक्वेशंस का इन टू वेरिएबल्स यानी ऐसी इक्वेशन ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनके टू वेरिएबल्स होंगे उनका सॉल्यूशन मालूम करना सीखेंगे तो चलें पहले बेसिक्स कुछ रिकॉल करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से क्या मुराद है तो स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसमें डिग्री जिसकी वन हो अब सवाल पैदा होता है अब पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे तो जहन में आ जाएगा कि डिग्री किससे कहते हैं डिग्री कहते हैं इक्वेशन में मौजूद हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं अब जैसे मैंने आपके सामने एक जनरल स्ट्रक्चर लिखा है लीनियर इक्वेशन का ये जनरल स्ट्रक्चर मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स वेयर ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो क्या मतलब है कि ये एक लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर है अगर इस पे आप गौर करें तो x और y दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं जिनमें पावर x की पावर भी वन है y की पावर भी वन है क्योंकि इनकी पावर वन है इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन की डिग्री भी वन ही कहेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वन है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं अब स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर है यानी एक्स का कोफिशंट वाई का कोफिशेंट और कॉन्सटेंट टर्म कोई भी रियल नंबर हो सकती है जबकि आगे लाइन ये भी लिखी गई है कि ए और बी आर नॉट बोथ जीरो यानी ऐसा नहीं होगा कि ए और बी दोनों ज़ीरो हो जाएं क्योंकि देखें अगर ए भी जीरो हो गया बी भी जीरो हो गया तो रह तो गया सिर्फ सी तो फिर तो ये लीनियर इक्वेशन रहे ही नहीं तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए किसी एक वेरिएबल का जिंदा रहना ज़रूरी है तो अगर हम गौर करें यहाँ पर कि अगर ए ज़ीरो हो गया चलें वाई तो है ना अगर बी ज़ीरो ज़ीरो हो गया चलें ए एक्स तो है ना फिर तो ये फिर लीनियर इक्वेशन रहेगी तो इस स्ट्रक्चर पे अगर आप नीचे देखें तो एक मैंने एग्जांपल में यहाँ लिखी हुई है यहाँ पे देखें गौर से देखें यहाँ पे ए की वैल्यू कौन है टू है यानी एक्स का कोपेशन टू ए है वाई का कोवेशन यहाँ पर वन है तो यहाँ यानी वाई का ऑप्शन बी कहलाता है तो यहां पर बी की वैल्यू क्या है वन है लेकिन देखिए यहां कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर है इक्वल टू के तो जब सी की वैल्यू को कहा जाएगा तो अपने जहनों में इस कांस्टेंट नंबर को लेफ्ट साइड पे लाकर सी की वैल्यू बताएंगे तो अगर मैं कि इस इक्वेशन में सी की वैल्यू क्या है तो आपका यकीनन जवाब होगा माइनस एट तो जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये लीनियर ये जनरल स्ट्रक्चर है लीनियर इक्वेशन का और ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन की तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है अब आ जाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस अब सवाल पता होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसे कहते हैं देखिए स्टूडेंट्स सिस्टम हम कहते हैं आप अगर इस लाइन को अंडरस्टैंड कर जाएं और नंबर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन क्योंकि बात लीनियर इक्वेशंस की हो रही है अगर मैं लीनियर का वर्ड हटा दूँ तो और जनरल हम बात फिर भी कर सकते हैं नंबर ऑफ गिविन लीनियर इक्वेशंस कि जितनी आपको लीनियर इक्वेश गिव हैं इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल इन्वॉल्व इन इक्वेशंस तो जितने वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे तो इक्वेशनस की तादाद और वेरिएबल्स की तादाद इक्वल होगी तो वो फिर कहलाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो स्टूडेंट्स अब आपने इस बात को याद रखना है कि इस एग्ज़ाम्पल में समझते हैं ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें टू इक्वेशंस गिव हैं और हमें कहा गया है फ़र्श करें कि इसका सोलूशन मालूम करें साममल्टेनियस इक्वेशन uh, का सोलूशन मालूम करें तो ये सिस्टम है या नहीं है तो देखें डेफिनेशन पर गौर करते हैं नंबर ऑफ़ गिविन इक्वेशनस टू हैं ठीक है तो नंबर ऑफ़ गिवन इक्वेशन हमने कहा कि टू हैं देखते हैं वेरिएबल कौन कौन है इन इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई तो वेरिएबल्स की तादाद भी टू है तो नंबर ऑफ इक्वेशन गिवन इक्वेशंस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इक्वेशन तो ये कहलाया सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो स्टूडेंट्स किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन के मायने क्या होते हैं तो ज़रा बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेश मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स सेटिसफाई गिविन इक्वेशंस यानी ऐसे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो गिविन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके यानी गिविन इक्वेशन अगर दो हैं तो दोनों को सेटिस्फाई करे तीन हैं तो तीनों को सेटिस्फाई करे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ़ गिवन इक्वेशन इक्वल होती हैं तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो टू वेरिएबल्स और टू इक्वेशनस हैं तो आपने मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है हम बाद में सीखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है और ये सॉल्यूशन सेट कैसे हासिल किया जाता है फिल वक्त तो सॉल्यूशन का मतलब समझ लेते हैं इस सॉल्यूशन सेट में मैंने एक ऑर्डर पेयर लिखा है ये कर्ली ब्रैकेट तो सेट uh, का सिंबल है और ये अंदर एक ऑर्डर पेयर लिखा गया है इसके मायने ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x की वैल्यू है और जो सेकंड एलिमेंट है वो y की वैल्यू है ये नहीं हो सकता कि y की वैल्यू पहले लिख दें x की वैल्यू बाद में लिख दें ये नहीं हो सकता इसीलिए इनका ऑर्डर मेंटेन रखना जरूरी है इसलिए इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर एलिमेंट लिखे हैं तो चेक करते हैं कि क्या यह वाकई इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है चलें यहाँ चेकिंग करते हैं इक्वेशन वन में एक्स की जगह मैंने टू लिखा वाई की जगह मैंने फ़ोर लिखा ये कैलकुलेशन की तो एट एट के इक्वल आ गया तो यानी इन एक्स और वाई की वैल्यू ने इक्वेशन वन को सेटिस्फाई कर दिया चलें आगे चलते हैं अब हमने इक्वेशन टू में पुट किया एक्स की जगह पर टू वाई की जगह पे फोर और कैलकुलेशन की तो टेन इक्वल टू टेन आ गया तो ये भी सेटिस्फाई हो गई तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर सकें तो वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होंगी आपने या तो अपने सारी कैलकुलेशन को रिकॉल करना है चेक करना है कि कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं है अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं है और फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नल सेट होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो लेकिन आम तौर पर सेटिस्फाई होती हैं इसलिए ऐसी सिचुएशन आपको नहीं आएगी ख़ास तौर पर वो ज़्यादातर आती हैं रेडिकल इक्वेशनस के अंदर अब आ जाते हैं मैथड्स की तरफ कि कौन कौन से मेथड हैं जो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन के लिए लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के सोल्यूशन के लिए तो देखें मैथड क्या है पहला है सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन बाई इक्वेटिंग दी कोफिशन हम कोफिशंट्स को इक्वेट करते हुए सॉल्यूशन करेंगे चलें देखेंगे आगे कि कैसे करना है इसे सॉल्यूशन बाय सब्सिट्यूशन तो हम सब्सिट्यूट वेरिएबल हासिल करके सब बाय सब्सीट्यूशन सॉल्यूशन मालूम करेंगे इसको भी आगे देखते हैं कि कैसे करना है सॉल्यूशन बाय दी मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत कैसे हमने इसका सॉल्यूशन मालूम करना है तो ये हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 में तीनों मेथड अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन सीखेंगे आप पॉज करके ये अभी तक का लिखा हुआ काम डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लें अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के सवालों की तरफ तो एक्सरसाइज के सवालों की तरफ आएं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ज़रा आप भी देखिएगा सबसे पहले पहले मेथड का हम लोग आ, कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और पहला मेथड हमारा था बाय सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन भी एक मेथड है तो इसमें हमने जो आपको लिस्टिंग करवाई थी कि इक्वेटिंग डी कोफिशेंट हैं, सब्सिट्यूशन है, है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो एक हमारा है इलिमिनेशन मेथड और उसके अंदर हम लोग इक्वेटिंग डी कोफिशेंट करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है सॉल्व बाय इलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स आपने बुक में सवाल को पूरा रीड कर लेना है अब क्वेश्चन नंबर वन का मैंने क्वेश्चन पार्ट फोर सेलेक्ट कर लिया है तो पार्ट फोर में लिखा है कि टू एक्स प्लस का थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव और थ्री एक्स प्लस का टू वाई इज इक्वल टू टेन तो एलिमिनेशन मेथड में हम कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं फिर दूसरा वेरिएबल इलीमिनेट करते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि आप इन इक्वेशंस को कोई नाम दे दें इस इक्वेशन को इक्वेशन वन का नाम दे दिया इसको हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया तो अब वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल के कोफिशंट एक जैसे होने ज़रूरी हैं तो देखें अगर मैं पहले x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो x के कोफिशंट एक जैसे होने चाहिए अगर मैं इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा सिक्स और इक्वेशन टू को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बन जाएगा सिक्स तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक करने से ये दोनों एक्स का वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा तो जरा यही काम करते हैं और वर्ड्स में लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री एंड इक्वेशन टू बाय टू देन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट डी रिजल्टिंग इक्वेशन रिजल्टिंग इक्वेश जो इक्वेशंस हमें मिलेंगी या ऑपरेशन करने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो चलें यहां में लिख देता हूं थ्री मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन वन तो यहाँ देखें क्या आया इसका जवाब थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन ठीक है फिर टू मल्टीप्लाई इक्वेशन टू तो इसका रिज़ल्ट क्या आया टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू ज़ा फोर और टू टेन ज़ा ट्वेंटी अब क्योंकि सब करना है तो मैंने माइनस का साइन बनाया और यहाँ पर सबकी साइनें तब्दील कर दी दूसरी इक्वेशन के हर टर्म की साइन तब्दील कर दी अगर प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस सोन so तो इसे देखें आपने ये सिक्स एक्स और सिक्स एक्स आपस में एलिमिनेट हो गया कैंसिल हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया एक्स वेरिएबल नाइन माइनस फोर बने हमारे पास फ़ाइफ वाई और फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी बने माइनस का फाइव तो हमने हासिल किया वाई इजिकल टू माइनस फाइव अपॉन फाइव और वाई की वैल्यू आ गई माइनस वन इस तरह हमने एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट किया तो वाई वेरिएबल की वैल्यू मिल गई अब चूंकि एलिमिनेशन मेथड है तो अब हमने एलिमिनेशन मेथड ही को जारी रखना है अब हम y वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे ताकि x की वैल्यू मिल सके तो y वेरिएबल को इलिमिनेट करने के लिए y के कोफिशेंट एक जैसे बनाने हैं तो देखें यहाँ y का कोफिशेंट थ्री यहाँ y का कोफिशेंट टू तो अगर मैं इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा सिक्स और इक्वेशन टू को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा सिक्स और दोनों इक्वेशन को सब्टैक्ट कर दूँ तो वाई इलिमिनेट हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो यही काम मैं करने जा रहा हूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू एंड इक्वेशन टू बाय थ्री देन सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट डी रिजल्टिंग रिजल्टिंग इक्वेशंस तो हमने रिजल्टिंग इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है चलिए ये काम करते हैं लिखते हैं कि टू मल्टीप्लाई इक्वेशन वन तो क्या जवाब आता है टू टू ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स टू फाइव ज़ा टेन और इक्वेशन टू को थ्री से करना है तो थ्री मल्टीप्लाई इक्वेशन टू तो हमारे जवाब आया थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स थ्री टू ज़ा सिक्स वाई और थ्री टेन ज़ा थर्टी और माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली सब साइनें तब्दील होंगी तो ये कैंसिल हो गया ये बचा हमारे पास माइनस का फाइफ एक्स ये हमारे पास बचा माइनस का ट्वेंटी तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी बाई माइनस फाइव और फाइनली कैंसिलेशन के बाद हमें आ गया फोर तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन सेट हैंस सॉल्यूशन सेट इज़ अब आपने एक सेट का सिंबल बनाया ऑर्डर पेयर बनाया उसमें एक्स की वैल्यू पहले लिखी और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पहले लिखी और वाई की वैल्यू हमने बाद में लिखी इस तरह से हमने अपनी गिविन इक्वेशन का सॉल्यूशन हासिल कर लिया आप चाहें तो इन एक्स और, और वाई की वैल्यू को यहाँ सब्सिट्यूट करके चेक करें कि सेटिस्फाई होता है यानी लेकिन ये चूँकि सेटिस्फाई होगा आ, तो ये चेक कर लेते हैं वैसे जहन में फ़ोर रखा यहाँ फोर टू सा एट हो गए माइनस वन रखा तो माइनस थ्री हो गए एट माइनस थ्री फाइव बनता है तो ये जवाब ठीक है इस तरह ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी सो ऑन जहन में आप चेकिंग कर सकते हैं चैकिंग uh, सॉल्यूशन में शो करना जरूरी नहीं है कर दें तो अच्छी बात है तो ये पॉज करके आप लोग लिख लें इसके बाद दूसरा मेथड सीखते हैं क्वेश्चन टू के जरिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं कि इसमें कौन सा मेथड कहा गया है इसमें हमें कहा गया है सब्सिट्यूशन मेथड सॉल्व फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्सिट्यूशन मेथड मेथड तो देखें इस सब्सिटीट्यूशन मेथड को सीखते हैं एक सवाल कंसीडर करते हैं और मैंने पहला सवाल कंसीडर किया है इसका इसके ज़रिए आप इस सवाल के बाकी हिस्से भी कर सकते हैं फोर वाई इज़ इक्ल टू टू और दूसरी इक्वेशन है 5x एक्स माइनस का फोर वाई इज़ इक्वल टू टेन स्टूडेंट्स सब्सिट्यूशन मेथड में हम पहले सब्सिट्यूट वेरिएबल हासिल करते हैं एक ऐसा वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं उसे सेपरेट करते हैं एक किसी भी एक वेरिएबल को किसी भी एक इक्वेशन से ताकि उसे दूसरी इक्वेशन में सब्सिट्यूट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके लेकिन यही बात हम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा पहले तो आप लोग इसी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का नाम दे दें अब सॉल्यूशन करते हुए आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन मैंने इक्वेशन वन से एक्स को सेपरेट कर रहा हूँ वजह यह है कि एक्स ऑप्शन वन है तो ज़रा आसान सी इक्वेशन आ जाएगी तो देखें फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स की वैल्यू आ गई टू माइनस फोर वाई ये फोर वाई राइट साइड पे शिफ्ट हो गया तो माइनस का बन गया ये नई बनने वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन थ्री का नाम दे दिया इस एक्स की वैल्यू को हम सब्सिट्यूट कर देंगे सब्सिट्यूट डी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू चूंकि हमने इक्वेशन वन से ये वैल्यू हासिल की है एक्स को सेपरेट किया है तो हम फिर दूसरी इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे उसी में नहीं करना है तो ये क्या हो गया हमारे पास फाइव एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट वैल्यू हमने जो हासिल की है वो पुट की और इज इक्वल टू टेन लिखा सिंपल कर रहे हैं तो क्या बनेगा टेन और माइनस का ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू टेन माइनस टेन तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो अपॉन माइनस ट्वेंटी और y की वैल्यू ज़ीरो आ गई है क्या बात है ये तो बहुत आसान सी बात हो गई अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थ्री में जहाँ x सेपरेट हुआ हुआ है वहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे ताकि x की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट इट इन इक्वेशन थ्री हम इक्वेशन थ्री में पुट कर रहे हैं या सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू टू माइनस फोर वाई की जगह हमने जीरो लिखा तो x की वैल्यू हमारे पास टू आ गई तो अब तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है हैंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू अब आपने पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है ये x और y की वैल्यू आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी आप जहन में इसे चेक कर सकते हैं सेटिसफाई करने के लिए एक्स की जगह टू लिखा वाई की जगह ज़ीरो लिखा तो टू प्लस ज़ीरो टू ही बनता है एक्स की जगह टू लिखा टेन बना वाई की जगह ज़ीरो रखा तो टेन इजल टू टेन बनता है तो ये वैल्यूज़ दोनों इक्वेशन को सेटिसफाई कर रही हैं तो ये हमारी सही वैल्यूज़ हैं तो आप इसे पॉज करके अपनी नोटबुक पे अपनी फेयर कॉपी पर इसे नोट कर लें अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी मेथड आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन थ्री के जरिए सीखते हैं अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थ्री अगर आप बुक सामने रखें तो आपको नजर आएगा कि क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या कहा गया है सॉल्व डी फॉलोइंग इक्वेशन्स बाई दी मैथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई दी मैथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड के जरिए सॉल्व करना है इसके लिए भी मैं क्वेश्चन वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं क्वेश्चन पार्ट टू को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें लिखा है टू एक्स प्लस का वाई इज़ इक्वल टू थ्री और दूसरी इक्वेशन लिखी है थ्री एक्स माइनस का टू वाई इक्वल टू वन तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम एक फार्मूला भी यूज़ करते हैं उस फार्मूले के ज़रिए भी हम लोग आ, मालूम कर लेते हैं और आप एक और भी मेथड है उसके ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हैं तो ज़रा आपने यहाँ पर गौर करना है कि वो मेथड हमारे पास है क्या सबसे पहले हम पहली इक्वेशन के वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को एक साथ लिखते हैं तो ज़रा ग़ौर से देखिएगा टू वन माइनस थ्री टू वन माइनस थ्री हमने इस थ्री को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करके जितने भी कोफ़िशेंट और कांस्टेंट था वो सारे के सारे टू टाइम लिख दिए यही काम हम इसके साथ करेंगे तो क्या किया हमने थ्री माइनस टू और वन थ्री माइनस टू और माइनस वन अब हम लोग यहाँ पे आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपने फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और से देखिएगा फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और से देखिएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है से और से देखिएगा और आखिरी वाले को आपने छोड़ देना है तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की तरफ आएं तो आप ज़रा देखिएगा कि आगे क्या बनता है एक्स की वैल्यू हमें पहले क्रॉस के ज़रिए पता चलेगी और ग़ौर से देखिएगा अच्छी तरह वन मल्टीप्लाई माइनस वन ठीक है और दूसरी मल्टीप्लीकेशन क्या है हमारे पास माइनस की साइन आएगी और ये हमारे पास क्या होगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू इसको ध्यान में रखें आप डिवाइड बाय डिवाइड आपने करना है आखिरी वाले क्रॉस के साथ तो आखिरी वाला क्रॉस क्या है टू मल्टीप्लाई माइनस टू तो आप लिखेंगे टू मल्टीप्लाई माइनस टू फिर रूल का माइनस आएगा फिर आपने क्या करना है वन मल्टीप्लाई थ्री तो हम यानी थ्री मल्टीप्लाई वन करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू मालूम करने का तरीका है तो ज़रा रिपीट करते हैं इस बात को दोबारा से कि सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन को अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन का एक स्टेप और कर लें और वो एक स्टेप ये कर लें कि इसे यूं भी लिख सकते हैं कि 2x एक्स प्लस का वाई माइनस का 3 इक्वल टू ज़ीरो अब आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर समझ आ जाएगा इसमें माइनस वन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो 3x एक्स माइनस का 2y वाई माइनस का वन इक्वल टू ज़ीरो तो अब आपने क्या करना है कि सारे कोफ़िशेंट और कॉन्स्टेंट दो मरतबा लिखने हैं जैसे टू वन माइनस थ्री था ना तो टू वन माइनस थ्री टू वन माइनस थ्री हमने दो मरतबा लिख दिया फिर इसी तरह एक टू का क्या था थ्री माइनस टू माइनस वन तो हमने लिखा थ्री माइनस टू माइनस वन थ्री माइनस टू माइनस वन ये हमने टू टाइम लिख दिया पहले वाले को छोड़ दें आखिर वाले को छोड़ दें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन नंबर्स को आपस में तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करें पहले लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई होगा जिस तरह मैंने वन को माइनस वन से किया फिर रूल का माइनस आएगा एक और राइट right वाले को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमने राइट right वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में क्या आएगा थर्ड वाला तो थर्ड वाला क्रॉस कौन सा है टू माइनस टू ठीक है और वन माइनस थ्री या थ्री माइनस वन ये आ गया इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया माइनस वन और ये बन गया हमारे पास माइनस का सिक्स ये बन गया हमारे पास माइनस का फोर ये बन गया हमारे पास माइनस का थ्री तो इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का सेवन डिवाइड बाय माइनस का सेवन तो फाइनली हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई वन अब वाई की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये वाला जो हिस्सा था ये वाला हिस्सा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये शो कर रहा था एक्स की वैल्यू को और ये वाला हमारा शो कर रहा था यानी एक्स की वैल्यू का न्यूमिरीटर ये डिनोमिनेटर डिनो को शो कर रहा था और ये एक्स की वैल्यू के न्यूमिरेटर को शो कर रहा था न्यू मीरेटर को ठीक है ये एक्स की वैल्यू के न्यूमिरेटर को और ये एक्स की वैल्यू के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ठीक है ये याद रखना है अब ये बीच वाला रह गया था तो ये बीच वाला वाई की वैल्यू के लिए है तो आप इस बीच वाले को अब आप सर्किल कर लें ये बीच वाला शो करेगा वाई के न्यूमिरेटर को ठीक है न्यूमिनेटर वाई की वैल्यू के न्यूमिरेटर को और ये वाला जो सर्कल डिनोमिनेटर को शो कर रहा था ना वो इसकी भी डिनोमिनेटर को शो करेगा तो ज़रा देखें y की वैल्यू कैसे पता चलेगी अब जरा गौर से देखना है ये वाला सर्कल देखना है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है पहले लेफ्ट हैंड वाली देखें माइनस थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा माइनस थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया रूल का माइनस आया फिर राइट हैंड साइड वाले को करें टू को मल्टीप्लाई या माइनस वन को मल्टीप्लाई टू से तो हमने लिखा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू फिर ये हो गया न्यूमिरेटर तो ये वाला जो बीच वाला सर्कल है वो वाई का न्यूमिरेटर कहलाया और जो डिनोमिनेटर को शो कर रहा है वो दोनों के डिनोमिनेटर को शो करेगा तो आप लिखेंगे टू माइनस टू माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई थ्री वन के साथ मल्टीप्लाई और बीच में रूल का माइनस का साइन तो देखते हैं वाई की वैल्यू क्या गई माइनस का नाइन और प्लस का टू डिवाइडेड बाय माइनस का फोर और माइनस का थ्री तो ये कैलकुलेशन क्या बनी माइनस का सेवन और ये माइनस का सेवन तो y की वैल्यू भी वन आ गई है अब y की वैल्यू भी वन आ गई है तो हैं सॉल्यूशन सेट चेक करते हैं कि क्या है सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू वही तरीका पहले एक्स की वैल्यू फिर y की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज़ ये हमारा सॉल्यूशन आ गया चेक करते हैं कि क्या ये वाकई हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं तो एक्स और वाई की वैल्यू को वन वन पुट करते हैं इधर एक्स की वैल्यू वन पुट करें तो आपको नज़र आएगा कि ये बन जाएगा अगर ये वन है तो टू मल्टीप्लाई वन हो जाएगा और वाई की वैल्यू भी वन पुट करें तो जवाब थ्री आना चाहिए तो देखें टू अंदर टू प्लस वन थ्री आ रहा है तो ये सेटिस्फाई हो रही है चलें दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं थ्री मल्टीप्लाई होगा एक्स की वैल्यू वन से और माइनस का साइन आएगा टू मल्टीप्लाई होगा एक्स की वैल्यू वन से तो जवाब वन आना चाहिए चेक करते हैं थ्री वन जो थ्री टू वन जो टू थ्री माइनस टू क्या बना वन तो स्टूडेंट्स ये था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जिसमें हमने नंबरों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से अपने इस मेथड को बार बार रिपीट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह समझें और इसके क्वेश्चंस करें ताकि ये मेथड आपके लिए शायद नया भी हो क्योंकि पिछली क्लास में ये नहीं किया होगा तो ये आपको ज़रा पक्का हो जाएगा यहाँ पे आके हम लोग अब होमवर्क की बातें कर लेते हैं इसे पॉज करके आप लिख लें अब स्टूडेंट्स होमवर्क की बातें जब करते हैं तो यक़ीन आपके दिल हिल जाते होंगे कि क्या है लेकिन होमवर्क वही है जो हमने पढ़ा है कि सॉल्व करनी है एक्सरसाइज़ नंबर 6.4 कंप्लीट जो सवाल मैंने कराए हैं वो एज इट इज़ देख के लिख लेने हैं और और जो मैंने नहीं कराए वो ख़ुद सॉल्व करने हैं अपने आप को चेक करना है कि कितना आपने समझा है लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो का फ़ायदा ये होता है कि अगर मेथड में कोई परेशानी है तो आप रिवाइंड करके दोबारा से इसको समझ सकते हैं शुक्रिया